नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। जी हाँ दोस्तों, कठिन क्षणों में संबल देती है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाला है। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना छोड़ दिया। कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ देवी, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा देवी के दूसरे दिन देवी की इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य पहुंचाएं। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।